वो चोर है, वो देश के गद्दार है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी है। चिल्लाने से क्या फायदा है? जैसे अपराध लोगों से ये आप फर्जी है, आप फर्जी नहीं है, विचार नहीं मानेंगे। आप जैसे लोगों को पेट भरना है, तुम देश के गद्दार हो, तुम्हें देश की चिंता नहीं है, तुम्हारा कैमरा क्या कर लेगा, तुम हो क्या? हम मारकाट नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, कोई हमें फतवा जारी नहीं कर रहे हैं, हम संवैधानिक विरोध कर रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं, आपसे ज्यादा बोल पा रहे हैं, आप राम जी के नाम पे तो चुप हो जा रहे हैं। अरे गोदी मीडिया को आपकी जरूरत है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जंतर मंतर पर यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो आप सामने देख सकते हैं कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा श्री चंद्रगुप्त भगवान का अपमान करने वाली फिल्म थैंक गॉड को बैन करने के लिए यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी जो लोग आए हुए हैं उन्हीं लोगों से पहले जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश श्रीवास्तव है, मैं इस पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का संस्थापक हूँ। तो सर, यहाँ पे इतनी भरी बरसात में आज क्या आने की जरूरत पड़ी कि थैंक गॉड जैसी मूवी को आप बैन करने की मांग कर रही थी? तब हम नहीं आए, हम आए हैं तब बरसात हुई है। अच्छा, आपके आने से बरसात हो गई? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि थैंक गॉड मूवी में ऐसी क्या बुराई है, क्यों बैन करने की बात कर रहे हैं? देखिए, थैंक गॉड मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए हम मूवी को देख के पूरी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हम जो व्याख्या कर सकते हैं उसके ट्रेलर से कर सकते हैं। उसके ट्रेलर से ये दिखाया गया है कि भगवान चित्रगुप्त का रोल अजय देवगन ने निभाया है और भगवान चित्रगुप्त को अश्लीलता अश्लील रूप में और हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए हमने जो है औपचारिक और अनौपचारिक रूप से इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। अनौपचारिक रूप से जो मांग की है वो हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। औपचारिक रूप से हमारे तीन कदम हैं। पहला कदम ये है कि हम यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। दूसरा कदम ये है कि हमने राष्ट्रपति से ये अनुरोध किया कि इस फिल्म को बैन किया जाए। और तीसरा कदम ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। सर, ये बताइए, आपने कहा कि चित्रगुप्त को अश्लील रूप से दिखाया गया, कोट पैंट पहने हुए हैं, क्या अश्लील रूप दिखाया गया? कोट पैंट पहनना आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन भगवान का जिस तरीके से चित्रण किया गया अश्लील लड़कियों के बीच में और द्विअर्थी संवाद बोलते हुए, इसके जो निर्देशक है इंद्र कुमार ईरानी, इनकी दो फिल्में मैं बता देता हूँ, मस्ती और ग्रांड मस्ती, उनको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें संवाद कैसे है। तो ये बात बताइए, सेंसर बोर्ड ने तो उसको जारी कर दिया ना? सेंसर बोर्ड बिके हुए लोगों की दुकान है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें जो हमने पार्टी बनाई है, फिल्म के निर्माता यानी कि भूषण कुमार और टी सीरीज को बनाया है, मतलब कंपनी सुपर कैसिन इंडस्ट्रीज है। फिल्म के निर्देशक जो हैं वो इंद्र कुमार ईरानी हैं और जिनकी कंपनी मारुति इंटरनेशनल। तीसरा हमने पार्टी बनाया है सेंसर बोर्ड को। चौथा हमने पार्टी बनाया है ये अजय देवगन को। और पांचवा हमने पार्टी बनाया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय को। इसलिए ये सभी दोषी हैं इस फिल्म को पास करने पे। अगर ये फिल्म पास होती है तो हम ये पांचों के खिलाफ ही जो है जो भी कर सकते हैं उस तरीके से हम विरोध अपना दर्ज करेंगे। तो देवी देवताओं का अपमान कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये तो थिएटर है, कॉमेडी मूवी है? आपके पिताजी की फोटो है आपके जेब में? आपके पिताजी की फोटो है? उस पर थूक सकती, वो तो फोटो है। मैं पिताजी पे थूकूंगी, आप थूक सकते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं थूक सकता हूँ, मैं प्योर हिंदू हूँ। मैं नहीं थूक सकता हूँ। अच्छा, हिंदू है, हिंदुओं ने तो बनाई है मूवी? हिंदुओं ने बनाई है, लेकिन इसका जो निर्देशक है जो जिस ईरानी है इसलिए दिक्कत हो गई आप? मुझे ईरानी से दिक्कत नहीं है, इसका जो स्मृति भी ईरानी है तो उनसे दिक्कत नहीं होती? मुझे स्मृति ईरानी से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी फिल्म पे अड़िग हूँ, इधर उधर 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 मत होइएगा, ठीक है ना। मैं केवल अजय देवगन और जो हमने पांच पार्टियां बनाई उन पांच पे आपत्ति है, मुझे स्मृति ईरानी से कोई मतलब नहीं। तो ये बताइए ना, आपकी आहतें भावनाएं आहत क्यों हो जाती है फिल्मों से? फिल्में थिएटर तो कब से चलता आ रहा है, कॉमेडी करता आ रहा है और भगवानों के ऊपर तो फिल्में पहले भी बनती थी। मुसलमान से आप कोई ऐसी बात कह के देख लीजिए, आपकी भावनाएं समझ में आ जाएंगी। तो मुसलमानों से आपको आपत्ति है? नहीं, मुझे मुसलमानों से कतई आपत्ति नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से वो लोग कट्टर है उसी तरीके से हम लोग भी कट्टर हों। अच्छा, तो कट्टर हिंदू बनके मतलब मारकाट करेंगे? मारकाट लोगों के अंदर द्वेष भावनाएं? हमने मारकाट नहीं की है, हमने संवैधानिक तरीका ही अपनाया है। हम यहाँ पर बैठे हैं और हम संवैधानिक तरीके से मेरी बात पूरी होने दीजिए, अपने शब्द मेरे मुँह में मत डालिएगा। हाँ, शब्द डाल रही हूँ मुँह में जी, क्योंकि आप माइक भी अपने मुंह से मेरे मुंह तक ला रही है तो शब्द भी ला रही है साथ। अच्छा, में सवाल नहीं करूं, संवैधानिक हमने संवैधानिक विरोध कर रहे हैं। हम मारकाट नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, कोई हमें फतवा जारी नहीं कर रहे हैं, हम संवैधानिक विरोध कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति को लिख रहे हैं, यहाँ परमिशन लेकर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं कि इसको बैन करने के लिए। संवैधानिक काम पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। अच्छा, आप सुनिए, आप बोल रहे हैं कि इस फिल्म से भावनाएं आहत हो रही हैं। जो रामलीला हो रही है वहाँ पर सीता जी चश्मा लगा के ठुमके लगा रही हैं, फिल्मी गानों पर अश्लील डांस हो रहा है घाघरा उठाकर, तब आपकी भावना
हयात नहीं हो रही है। राम जी डांस कर रहे हैं मंच पर अश्लील। हमारा मुद्दा अभी और अभी केवल भगवान नहीं है, वो भगवान का रूप है। हम उसका विरोध अलग तरीके से करेंगे, लेकिन ये फिल्म है इसका विरोध हम अलग तरीके से करेंगे। उसका अलग तरीके से क्यों और इसका अलग तरीके से क्यों? उसकी कोई संस्था ऐसी नहीं है कि जिसपे हम उस पर केस कर सके। एक वीडियो नहीं आया, हजारों वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो भेज दीजिएगा, हम उस पर भी केस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बकायदा दिखा सकती हूँ अभी। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे भेज दीजिए। रावण की वजह से आपकी भावनाएं आहत हो रही थी, आदि पुरुष में रावण का रूप। नहीं, आप सब्जेक्ट मत बदलिए, हम भगवान चित्रगुप्त के लिए आए। भगवानों के रूप को लेकर ही तो आपकी भावनाएं आहत हो रही है। उसके असली संवाद और जिस तरीके से वो लड़कियों के साथ बताया गया है उसके कारण। रामलीला क्या भगवान से संबंधित नहीं है? भगवान से संबंधित है, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ भगवान चित्रगुप्त के लिए आए हैं। चित्रगुप्त के लिए आए और राम जी भगवान नहीं है? राम जी भगवान है, उसके लिए बाद में आए। दोगली बात कर रहे हैं आप तो। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। राम जी भगवान नहीं है, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। जय श्री राम होता है, जय श्री राम जो है अलग तरह से नारा बनाया गया। जय सिया राम, सिया को पूछते हैं आप लोग? भगवान राम प्रधान देश है, आप पूछ रहे हैं? जय श्री राम का नारा लगता है? जय सिया राम का नारा है, जय श्री राम का नारा नहीं है। ये जो लगाते बजरंग दल वाले जय श्री राम बोलते हैं, सिया राम बोलने पर तो मार देते हैं। वो उनसे पूछे। हाँ, वो उनसे पूछे, आपसे नहीं पूछे। यहाँ जिस मुद्दे से बैठे हैं भगवान चित्रगुप्त के लिए, आप उससे बात। चित्रगुप्त के ही पीछे पड़े हैं, राम जी नहीं है, भगवान नहीं है राम जी। उसके लिए हम बाद में विरोध कर लेंगे, अभी हम भगवान चित्रगुप्त। भगवानों को भी आपने अलग अलग बांट दिया। भगवान भी अलग अलग है, अलग अलग है, राम जी को नहीं मानते हैं। अपने मुझे मत बताइए राम जी को नहीं मानते। मंच पे जो राम जी को इस तरीके के रूप दिखाए जा रहे हैं, सीता जी को इस तरीके के रूप से ठुमके लगवाए जा रहे हैं, वो क्या है? अगली बार हम आपको बुलाएंगे, जब हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो भगवान राम जी से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। अच्छा, आप बच रहे हैं, अब सवाल चित्रगुप्त के लिए प्रश्न कीजिए। सवालों से बच रहे हैं, अब आप फंस रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पे मुद्दा भगवान श्री राम नहीं है, भगवान श्री राम नहीं है, मगर भगवान तो है ना। भगवान है, जब गौतम जी प्रतिज्ञाएं बताने लगते तो भावनाएं आहत हो जाती है आपकी? नहीं, मेरी कोई भावनाएं आहत नहीं हुई। हाँ। मैं सिर्फ यहाँ भगवान चित्रगुप्त के लिए आया हूँ। भगवान चित्रगुप्त के ही बस देन है आपके ऊपर जी, राम जी की देन नहीं है। चलिए, तो मतलब बच रहे हैं आप। मैम क्या नाम है आपका? मैम ये सर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से इस फिल्म में भावना आहत की जा रही है, हमारे हिंदू देवी देवताओं को इस तरीके का प्रदर्शित किया जा रहा है, अश्लील रूप से दिखाया जा रहा है, तो मैंने अभी पूछा, मेरा सवाल अभी भी वही है कि जो मंच पे रामलीला हो रही है उसमें अश्लीलता फैलाई जा रही है, परोसी जा रही है, उसको क्या कहेंगे? भगवान के रूप में क्या वो लोग नहीं है? बिल्कुल है, वो लोग भी भगवान हैं और सीताराम भगवान है। अगर जो है सीता जी को ठुमके लगवाए जा रहे हैं तो ये गलत है। जिन्होंने देखा है उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए, आप उनसे आवाज़ उठवाइए कि वो प्रदर्शन। मैंने नहीं देखा है। अच्छा, देखेंगी तो मैडम, ट्विटर पे इतना वायरल हो रही है वीडियो, एक वीडियो नहीं हजारों वीडियो पड़ी हुई है। हाँ, तो अगर आपने देखा है मैडम तो आप इस पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आवाज़ उठाई ना मैडम, पूछ रही हूँ मैं, तभी भावनाएं आहत नहीं हो रही। जैसे हम चित्रगुप्त भगवान के लिए जो है हमारी भावनाएं आहत हुई और हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, वैसे अगर आपकी भावनाएं आहत हुई होंगी उस वीडियो को देख के, तो आप भी जो है प्रदर्शन कीजिए। तभी तो मैम मैं प्रदर्शन करने लगूंगी तो न्यूज़ कौन करेगा, खबर कौन करेगा? मैं तभी तो आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग तो उसके लिए प्रदर्शन करने नहीं आए जो श्री राम का रूप धारण करे हुए हैं, जो शिव जी का रूप धारण करे हुए हैं, चिलम फूक रहे हैं वो इधर उधर में, उस रूप से आपको दिक्कत नहीं होती? पीके में आपको दिक्कत हो जाती है शिव जी के रूप में बाथरूम में जाने से? मैडम तो बात ही नहीं, आप इधर उधर मैडम बोलने दीजिए ना मैडम को, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप नई नई पत्रकार, नई नई पत्रकार नहीं, आपसे मैं पूछ रही हूँ तो आप जवाब नहीं दे पा। हाँ, मिलाइए मैं बताता हूँ, पीके की बात की क्या हमने? आप पीके बात करती है, पीके बात कर रही हूँ मैं, पीके बात कर रही हूँ जी। आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप सब्जेक्ट पे रहिए, अब ये आहत नहीं कर रहे हैं आप, एक पत्रकार को पीके बोल रहे हैं तो आप पे FIR नहीं होनी चाहिए। फिल्म का नाम क्यों ले रहे हैं? आप पे FIR नहीं होनी चाहिए, हो जाने कर दीजिए, कर दीजिए, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप पीके फिल्म का, आप पीके नहीं आए, आप थैंक गॉड को बैन करवाने आए, आप पीके नहीं आए हैं? बिल्कुल पीके आए, पानी पीके आए, पानी पीके आए हैं और कुछ नहीं पीके आए, तभी आप बैन करवाने के लिए बैठे हुए हैं और श्री राम को भगवान नहीं मान रहे हैं आप लोग। हमने ये कहा कि श्री राम भगवान है, ये मेरे शब्द है जी, उसके लिए श्री राम के लिए आपके अंदर भावनाएं नहीं है क्या? भावनाएं हैं, उनके लिए हम बाद में प्रदर्शन करेंगे, तब आप बाद में करेंगे, अभी उनके लिए कर रहे हैं। आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं, अभी केवल बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी भगवान चित्र बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं, आपसे ज्यादा बोल पा रहे हैं, आप राम जी के नाम पे तो चुप हो जा रहे हैं। अरे गोदी मीडिया को आपकी जरूरत है? गोदी मीडिया तो आपका काम कर रहा है, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, निष्पक्ष पत्रकार। अभी हम जिस मुद्दे के लिए, मैम आप बताइए, बात करो, बात कर रही हूँ मैडम से, लेकिन आप शब्द डाल रहे हैं, बता रहे हैं मैडम को।
अरे जब आप सब्जेक्ट पे बात नहीं करोगे, सब्जेक्ट पे तो बात कर रही हूँ, भावना आहत भगवान से हो रही है तो भगवान के रूप का ही तो पूछ रही हूँ मैं। जी पीके में जिस तरीके से भगवान शिव जो है बाथरूम में चले जाते हैं उससे भावनाएं आहत हो जा रही हैं, लेकिन वही रूप में अगर शिव जी वहाँ चिलम फूक ले रहे हैं, सिगरेट फूक ले रहे हैं अगर इधर उधर में, तब भावनाएं आहत नहीं हो रही है। राम जी ठुमके लगा लगा के नाच रहे हैं, सीता जी लहंगा उठा उठा के नाच रही है। तो ऐसे कमी मैडम हम आए हैं यहाँ उसी के लिए हम यहाँ नहीं दे रहे हैं मैडम को नहीं मैडम ये हम नहीं दे रहे नहीं गलत कह रहे हो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह यादव है और जो हमारे भगवानों पर इस तरह के वो करते हैं ठुमके लगाते हैं हम उसी के लिए आए हैं। इस चीज को चित्रगुप्त के लिए आए हैं? नहीं मना कर रहे हैं चित्रगुप्त? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, चित्रगुप्त भी है राम में एकता नहीं है। बताइए चार लोग आप बैन कराएंगे? भगवान सब एक है, चार लोग आप बैन कराएंगे? आप गलत कह रहे हो, भगवान सब एक है, भगवान एक है ना, इसलिए इन्हें समझाइए। चित्रगुप्त को अलग बता रहे हैं और राम जी को सबको मानते हैं, चित्रगुप्त को भी मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं और भोले जी शंभू भोले को मानते हैं और कृष्ण को मानते हैं। कह रहे हम चित्रगुप्त के लिए आए, हम राम जी के लिए बाद में। नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम मैं क्या गलत कह रही हूँ, वीडियो में सब लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं सब जो है इसी एक उसी मुद्दे पर आए हैं, आके भगवान कि आज हम चित्रगुप्त के लिए आए हैं कल राम जी के लिए आएंगे, सभी एक ही है ये। आप बीच में क्यों आ रहे हैं आप बताइए, हम सवाल ना करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सवाल आपका है क्या, बताइए रामलीला प्रदेश की इतनी रामलीलाओं के सबूत आ रहे हैं? आपके पास प्रूफ है, आपके पास फर्जी है, वो चोर है, वो देश के गद्दार है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी है, हिंदू है सारे, बोलते होंगे सारे, बोल नहीं रहे, वीडियो आई है, यहां का रामलीला हो वहां का वीडियो कौन, वीडियो फेक है, कोई वीडियो नहीं है, फेक है, कोई भगवान के अच्छा वो नाचने लग गए तो फेक हो गए, यूपी में नाचने लग गए तो फेक हो गए, कौन नाचता भाई, नाचने लग गए ठुमका लगाने लग गए फेक हो गए, कौन नाचता, आप जो बोल रहे हैं वो सच है? मैं जो बोलता हूँ वही सच है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, आप लोगों को सच की पता ही नहीं है। अच्छा। आपको सच, तो सच क्या नहीं है, बता कितने दिन से पत्रकारिता, सच आप बता दीजिए, आपको आपको पता है हिंदू, बता दीजिए आपको पता है हिंदू, मैं उधर उधर पता है हिंदुस्तान का संविधान, उन लोगों से पूछ रही हूँ, आप किसको समझते हैं भाई, आप बताइए ना, बता दो, आप बता दो मुझे, आप बता दो कि आप चिल्लाने से, चिल्लाने से क्या सच आ गया, जैसे फ्राड लोगों से ये आप फर्जी है, आप फर्जी नहीं है, विचार नहीं मानेंगे आप फर्जी नहीं, भगवान राम पे कौन बोल सकता है, किसकी मारे दूध पिलाए जो भगवान राम पे बोल रहे, मंच पे क्या नाच रहे हैं, वो अभी यूपी में कहां मंच पे नाच रहे हैं भाई, आप आपने वीडियो नहीं देखते, आपका समाज नहीं, आप ट्विटर पे एक्टिव नहीं, इसके लिए आप काम करते हो, ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहते, भगवान राम मोदी मीडिया अलग जगह रहा, मोदी मीडिया देखते हैं आप, कौन ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहते, कौन ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहते, आप कभी मेरा ट्विटर देखिए, क्या ट्विटर आ रहा है, ट्विटर की छोड़िए, आप जा आप कहीं जा करके, कहीं जा फॉल्स है, कहीं जा करके आपने देखा है, कहीं जा करके आपने देखा, हिंदुस्तान की संस्कृति भाई मैं खुद देखी हूँ, कहाँ देखे, मैंने खुद देखा है, क्या पता नाच रहे, अरे आपका रावण क्यों नहीं गया था खीरी लखीमपुर, रावण भी नाच रहा है, गया रावण भी नाच रहा है, जिसके खिलाफ काम करते रहोगे जीवन के खिलाफ कर नहीं पता चलेगा, किसके खिलाफ, चरित्र चिंतन पे याद करो, किसके खिलाफ काम कर रहे हैं आप, किसके खिलाफ राम पे सोचो, आप किसके खिलाफ काम कर रहे हैं, हम किसी खिलाफ काम करने वाले लग रहे हैं, बिल्कुल मुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, वो आप लोगों का चरित्र चिंतन ही वही रहेगा कि दुनिया में नहीं एक बार अच्छे काम करने वालों को खिलाफत करोगे, क्योंकि आपकी वीडियो चल जाए, मेरी वीडियो क्यों देख लें, आपकी वीडियो को लोग देख लें, आप जैसे लोगों को पेट भरना है, तुम देश के गद्दार हो, तुम्हें देश की चिंता नहीं है, अच्छा तुम सामाजिक काम नहीं दे सकते, तुम देश हित में बात नहीं कर सकते हो, ड्रिंक करके आए हैं क्या आप, हैं ड्रिंक करके आए क्या, हम सदैव ड्रिंकर हैं भैया, क्या करोगे, नशा करके हम पीते हैं, खाने पीने वाले हैं ना, हम देशभक्त हैं ना, हम खाते पीते हैं, हम भीख नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते, हम दूसरों को एक काम करते, हम मदद करते हैं लोगों की, आप लोगों को चाहिए ऐसा मटेरियल चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, देश की चिंता नहीं है आपको, कैमरे पे सब दिख रहा है, कैमरे पे सब आ रहा है, अरे क्या कर लोगे कैमरा यहाँ के, तुम्हारा क्या कर लेगा, तुम्हारा कैमरा क्या कर लेगा, तुम हो क्या, क्यों भड़क रहे हैं ये बताइए, पता नहीं कितने भड़क क्यों रहे हैं ये बताइए, देश तुम्हारे दम पे नहीं चलता, भड़क क्यों रहे हैं ये बताइए, देश तुम्हारे दम पे नहीं चलता, भड़क क्यों रहे हैं ये बताइए, अरे भड़क रहे हैं, उल्टा सीधा सवाल ले रहे हो, क्या सवाल आप बताएंगे मुझे, सवाल हो बेटा, सवाल आप मुझे पता की ये पार आप बताएंगे क्या मुझे, आप तय करेंगे मैं क्या पूछूंगी, क्या आप तय करेंगे मैं क्या, क्या मैं आपका नौकर हूँ क्या, जो आप कहोगे वही बोलूंगी, अरे आप मत बोलिए, मैं तो पूछ रही हूँ, जवाब देना, आपसे कौन से पूछ रहे हैं, आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं है, कौन तो बीच में आए हैं, अरे हम तुम्हारी गंदगी बीच में पूछ रहे हैं, गंदगी आपकी गंदगी दुनिया देख रही है, आपकी गंदगी दुनिया देख रही है, अरे वो देख लेगी, कितने लोग गंदगी दुनिया देख रही है, कितने लोग देखते होंगे आपको, कितने लोग देखिए, आप बताते हैं जैसे
जो सबको नचाने वाले हैं। श्री राम का नाम लेके ये देखिए किस तरीके से। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ देखिए श्री राम जी तो सबको नचाने वाले हैं, वो क्यों नाचते हैं? जोश आ गया राम जी के नाम से। देखिए देखो राम जी के नाम से तो मुझे भी जोश आता बेटा। राम जी हमारे सही तरीके से जोश नहीं आ पाया इनके अंदर। देखिए जो सबको नचाने वाले हैं वो कहाँ नाचेगा, वो नचाएगा खुद। देखिए ना आप, देखिए देखिए इनको अभी ये गोदी मीडिया देखते हैं, गोदी मीडिया देख रहे हैं तो हम बता रहे हैं ये कौन सी खबरों में रहते हैं, ये जाने कौन सी खबरें देखते हैं ये। अच्छा ऐसे है बेटा, ये राम जी तो सबको नचाने वाले, पूरी सृष्टि को नचाने वाले, वो किसको नचाएंगे? वो कुछ नहीं, मैं मंच पे बता रही हूँ रामलीला। राम जी तो खुद नचाने वाले हैं, राम जी जो है खुद नहीं नाचते, वो दूसरों को नचाने वाले हैं। और जब हनुमान जी वहाँ नाचे, भोले जी नाचे उनके पैदा होने पर, तो ये और जनता क्यों नहीं नाचेगी उनसे? ये मगर, सब मगर ये सवाल राम जी ही नचा रहा है सबको। आपको बुला रहा है तो राम जी बुला रहा है, मुझे बुला रहा है तो राम जी बुला रहा है, राम जी बुला रहा है। आपके अनुसार राम जी रचयिता है। हाँ, लेकिन ये बताइए ना रामलीला के नाम पर जो रासलीला की जा रही है उसका क्या करें? वो बंद किया जाए, रासलीला बिल्कुल बंद करी जाए। बंद करी जाए ना, तो उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं सब। चित्रगुप्त के लिए आप आवाज उठा रहे हैं? चित्रगुप्त भी हमारे भगवान है। हम अभी आप चार पांच लोग ही आए हुए हैं तो आगे क्या करेंगे इस फिल्म को बैन करने? इसको बैन ही करवाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम यहाँ अपनी 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 जान यहीं दे देंगे, जान दे देंगे एक फिल्म के लिए। हाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। थिएटर तो शुरू से चलता आ रहा, कॉमेडी वगैरह ये सब आती जाती रहती है। देखिए इससे हमारे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है और ये बंद करी जाए, मैं इसको इस हक में नहीं हूँ। तो आगे क्या कुछ करेंगे अभी यहाँ से आज प्रदर्शन करने के बाद? इसके प्रदर्शन करने के बाद तो आगे बताएंगे क्या, अगर ये नहीं बंद करते हैं तो मैं यहाँ बैठूंगा बूढ़ा आदमी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 72 वर्ष। 72 वर्ष है और इतनी भरी बारिश में आप लोग घर छोड़ के आए हैं? हाँ बिल्कुल आया हूँ इसी चक्कर में, ये हमारे देश को रसातल में ले जा रहे हैं। शिक्षा स्तर बिल्कुल नीचे जा रहा है हमारे बच्चों पे। अच्छा, तुम्हारे बताइए फिल्म 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 ही मुद्दा है, इतनी महंगाई हो रही है, शिक्षा नीति बढ़ाई जा रही है, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, खाने को दाना नहीं है, शिक्षा को तो नीचे दबाया जा रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, खाने को दाना नहीं है, क्या वो मुद्दा नहीं है? महंगाई ये जानबूझ कर रहे हैं, महंगाई नहीं करनी चाहिए इन्होंने, ये मुद्दा नहीं है, ये भी मुद्दा है। लेकिन हमारा लेकिन मुद्दा आप उसके लिए प्रदर्शन नहीं, हम अपने धर्म को बचाने के लिए हमारा स्थान कहाँ खतरे में है, कहाँ खतरे में है सनातन धर्म? हम सनातन धर्म है, सनातनी है और हम रहेंगे सनातनी। धर्म खतरे में है? हाँ बिल्कुल खतरे में, बताकर लोगों को बरगलाया नहीं जा रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये इन्होंने हमारे उसको गलत किया है। क्या कुछ करेंगे ये बताइए आगे? हम यहाँ अपने आप को यहाँ समर्पित कर देंगे, खत्म हो जाएंगे यहाँ। अच्छा। अगर इन्होंने इस फिल्म को बंद नहीं किया तो, और जो दूसरी आ रही है उसको बंद नहीं किया तो भी हम यहाँ अपने आप को खत्म कर लेंगे। अच्छा। तो ये देखिए आज यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि थैंक गॉड जैसी मूवी जो लाई जा रही है उसमें जो भगवानों को लेकर अश्लीलता दिखाई जा रही है, इनके अनुसार मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है और चित्रगुप्त के रूप को जो दिखाया जा रहा है उसमें अश्लीलता भरी जो लड़कियों के साथ दिखाया जा रहा है वो सब बता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या देश में और मुद्दे नहीं है, महंगाई जैसे मुद्दे नहीं है, लोगों के पास बेरोजगारी है, लोगों के पास काम करने को नहीं है, खाने को दाना नहीं है, क्या ये सब मुद्दे नहीं होने चाहिए थे? लेकिन आज यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है इस भरी बारिश में वो फिल्म को बैन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो रामलीला के नाम पर जो रासलीला रचाई जा रही है उनको कौन बैन करेगा? वहाँ पर जो श्री राम के रूप को जो इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इस तरीके से पेश किया जा रहा है, क्या उससे भावनायाहत नहीं हो रही है लोगों की? जिस तरीके से सीता को दिखाया जा रहा है डांस करते हुए, लहंगे और ठुमके लगाते हुए, क्या उससे लोगों की भावनाएँ आहत नहीं होती हैं? इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।